हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट को 90 या 95% कैसे मिल सकता है बहुत ही कम प्रिपरेशन के साथ, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है अभी पीडब्ल्यूडी में उनका 30, 40, 15, 20 ऐसे आ रहे हैं। कॉलेज तो मिल जाएगा आपको, बट अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा, इसलिए 90+ टारगेट करें। 80 भी आएगा तो आपको एक अच्छा NIT में CS मिल जाएगा। तो इसलिए हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कंप्लीट रोड मैप कि कैसे आप 90+ या 95+ स्कोर कर सकते हैं JEE मेन सेकेंड अटैम्प्ट में, वो भी बहुत ही कम हार्डवर्क के साथ। बट राइट प्रोसेस जो होगा वो स्मार्ट प्रोसेस का समय ही है, तो उसके हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करना है, जो कि हम कम्प्लीटली बताने जाएंगे इस वीडियो में। और आपको पर्सनल गाइडेंस एंड मेंटरशिप चाहिए उसके लिए मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो होगा वीडियो को उसमें देख पाएंगे आप डिटेल, बट यहाँ पे हम बता दें इस वीडियो के थ्रू आप सारा जानकारी लेके खुद से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास अगर मेंटोर कम्प्लीट मेंटोरशिप के लिए अवेलेबल रहेंगे हम, तो आप कोई गलत चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई गलत चैप्टर पे या गलत तरीके से नहीं पढ़ेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे तो सही तरीके से आउटपुट ज़्यादा आएगा आपका। तो इसलिए हम मेंटोरशिप एंड गाइडेंस दे रहे हैं, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें सबसे पहले आपको हम गाइड करेंगे कि आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उसमें क्या क्या आपको परेशानी झेलना पड़ सकता है। अगर आपका 5%, 10, 20, 30, 40 है, कुछ भी है, तो हम अगर हैं तो आपका काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसेस उसका सही से फॉलो करना है, ऐसा नहीं आप खुद से भी नहीं कर सकते, बट अगर थोड़ा सा गलती होता है तो सारा मेहनत सारा सब कुछ बेकार हो जाएगा, क्योंकि एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन कैंसिल होता है तो आपका काम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन के लिए आपको गाइड करेंगे उन्हें डेली बेसिस क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के लिए मार्क्स रिक्वायरमेंट कम है और बाकी स्टूडेंट के लिए ज़्यादा है, बट सिलेबस सेम है, तो उस सिलेबस में से आपके लिए इंपॉर्टेंट और ईजी क्या है तो उसको आपको पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है, क्या मटेरियल है, सारा चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे टेस्ट सीरीज भी, ताकि आपको सही से प्रिपरेशन हो सके। और कैन अटैम्प्ट के लिए जाना है या एडवांस के लिए जाना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और एडवांस के लिए किस तरह से फिर आपको अलग से करना है वो भी बताएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंटली फिजिकल वेरिफिकेशन, और उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काउंसलिंग प्रोसेस उसमें, क्योंकि गलती करते हैं तो आप गलत कॉलेज में चले जाएंगे या फिर आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए कंप्लीट गाइडेंस जो है कॉलेज सिलेक्शन का वो भी हम देंगे, चॉइस फिलिंग डिसीजन मेकिंग सारे कुछ जो होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब कहने का मतलब अभी से लेकर एडमिशन तक एज ए सेकेंड करेंट हम काम करेंगे आपके लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके जब तक कि आप कॉलेज में चले ना जाएं। आशा करते हैं आप देख लिए होंगे डिटेल, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर्स का बात करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है सब्जेक्ट वाइज जो कि आपको कवर करना चाहिए, उसके बाद प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, कंप्लीट प्रोसेस जो कि आपको फॉलो करना है अभी से लेके एग्जाम तक। तो चलिए बात करते हैं कि केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर, तो केमिकल बॉन्डिंग, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके बाद आप बात करें केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, ये सारे चैप्टर आपको करने पड़ेंगे केमिस्ट्री में। होल इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इंक्लूड करते हुए आपको करना है, क्योंकि उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे। ऑर्गेनिक को आप छोड़ सकते हो, उसमें से डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, बट उसमें से एक चैप्टर सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स कर सकते हो, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद बात करें आप फिजिक्स का, तो मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, इसके बाद आपका ग्रेविटेशन और आपका हीट थर्मोडायनामिक्स और KTG और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और आपका अल्टरनेटिंग करंट एंड EMI और करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैट, ये सारे चैप्टर आपको अच्छे से करने पड़ेंगे फिजिक्स में। इसके बाद बात करें मैथ्स में, मैथ्स में आपको सिक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेट्रिसेस डिटरमिनेंट, वेक्टर 3D, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेटलेशन फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे चैप्टर आपको अच्छे से करने हैं, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं और पिछले सालों में आते रहते हैं, तो ये हम कंप्लीट एनालाइज करके ही आपको बता रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि इस चैप्टर सबको कैसे कंप्लीट करना है। तो केमिस्ट्री का बात करें तो NCERT इनफ होगा, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बस आपको थोड़ा कुछ लेक्चर देखना पड़ेगा या फिर कोचिंग का नोट्स है वो देख सकते हैं, या फिर कोई एडिशनल बुक है सपोर्टिव बुक उससे आप देख सकते हैं, NCERT से काम नहीं होगा। उसके बाद ट्राई करना है कि मैक्सिमम चैप्टर वाइज पहले क्वेश्चन सॉल्व करें प्रीवियस ईयर का, एक साथ पूरा सारा चैप्टर का नहीं, चैप्टर वाइज सॉल्व करें, उसके बाद आप होल सिलेबस में जा सकते हैं सिर्फ केमिस्ट्री का। उसके बाद फिजिक्स का, फिजिक्स में भी चैप्टर वाइज पहले क्वेश्चन सॉल्व करें, पहले कंसेप्ट लेने के लिए लेक्चर देखना होगा या कोई सपोर्टिव बुक से आपको पढ़ना होगा, क्योंकि NCERT से काम नहीं होगा। उसके बाद मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, न्यूमेरिकल हो जा रहा है उसके बाद उसका टेस्ट देने का कोशिश करें सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद फिर मैथ में आए, मैथ को आप सिर्फ प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में मैथ का टफ आता है, तो जितना भी कर सकते हैं उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, वो करें। प्रैक्टिस करने के बाद क्या होगा कि आपको एक थोड़ा सा कंफर्ट मिलेगा कि 8-10 क्वेश्चन हम एग्जाम में इजीली कर लेंगे, उतना ही करना है, उससे आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आप PWD कैटेगरी से हैं तो आपका रिक्वायरमेंट कम है बाकी लोगों से। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, अगेन फिर प्रीवियस ईयर करना है और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज तीनों का कमांड आ गया तब देना है होल सिलेबस टेस्ट। एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले आपको होल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट कर देना, ताकि माइंड रेडी हो जाए एग्जाम के लिए, ताकि एग्जाम का प्रेशर अच्छे से झेल पाएं, क्योंकि मैक्सिमम जो आप लोग हैं वो दूसरी बार जाएंगे एग्जाम देने, आपको एग्जाम का प्रेशर पता है, तो एग्जाम का प्रेशर को अच्छे से झेल पाएं, इसलिए आप उसको
घर पे ही पहले प्रैक्टिस करके रख लें ताकि एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और ये सारे चीज़ों के लिए अभी से लेके एडमिशन तक ना कि सिर्फ प्रिपरेशन बल्कि जे एडवांस का प्रिपरेशन, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन और आपका एडमिशन तक में जो चॉइस फिलिंग डिसीजन मेकिंग होता है सारे में हेल्प करने के लिए हम कंप्लीट मेंटरशिप गाइडेंस दे रहे हैं। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप एक सेशन के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए कम चार्ज लगेंगे, बट पूरा अभी से एडमिशन तक के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा चार्ज लगेगा, बट वो नॉमिनल ही है, उसमें आपको कंप्लीट बेनिफिट मिलेगा अभी से एडमिशन तक।